Hey guys, welcome back to my channel. This is Ananya here and you are watching Interior Mata and welcome to a new episode जहाँ पे हम लोग एक अपार्टमेंट 2BHK अपार्टमेंट के होम टूर करने वाले हैं. नाउ आप पूछेंगे कि अनन्या आपने क्यों पूरा प्रोजेक्ट दिखाना बंद कर दिया, क्यों हम लोगों को प्रोसेस नहीं दिखा रहे. एक्चुअली ये सारे वीडियोस हम लोगों ने ड्यूरिंग कोरोना टाइम, जो मिड कोरोना टाइम था, उसके टाइम पे बनाया था. एंड ये सारे प्रोजेक्ट्स को शूट करना पॉसिबल नहीं था बिकॉज इट इज़ लिटिल फार फ्रॉम माई ऑफिस. सो डोंट वरी, प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट 2 महीना हो चुके हैं. क्लाइंट्स आर हैप्पी, दे आर स्टेइंग देयर, बट आई थॉट व्हाई नॉट गिव यू अ होम टूर बिकॉज इट इज़ 2BHK apartment, very well decorated. It's a modern design and it was exactly the client initially briefed. So let's get started with the video, but make sure that you have subscribed to my channel, like this video and share this video with your friends. And just before we meet with the client, see the before pictures of this apartment. This is Mahinder CH from Vadodara. Actually, I am working in Vadodara as a one MNC company. And recently, I purchased one 2BHK flat. There, I requirement of furniture. Then suddenly, my friend Mr. Raghuveer, they have contacted already Interior Mata. Then I immediately responded and I contacted Interior Mata email ID and I got unbelievable response immediately. Because I thought whether they will get reply or not, by seeing the popularity of the madam. After that, I amazed and we done couple of discussion and the team came here. They have done all the measurements. They have asked my requirements, my wife requirement, my son requirement and also my daughter requirement. And they have noted each and everything and they gave up with different option solutions. And after that we have done couple of discussion. It's a very nice interaction with the team Interior Mata and especially the madam Ananya. So let me talk about what we did in this project. Initially aate hi aapko dekhne ko living space and dining milta hai and ye ek single room hai जहाँ पे डाइनिंग स्पेस है एंड लिविंग स्पेस दिया हुआ है बिल्डर की तरफ से. तो लिविंग के लिए हम लोगों ने जो टीवी यूनिट बनाया वो बहुत ही स्लीक एंड सिंपल था, कंसिडरिंग कि ये जो वॉकिंग स्पेस है उनको हम लोगों ने रिड्यूस नहीं करना था. इसके पीछे हम लोगों ने बाइसन शीट लगाया और उसमें एक बहुत अच्छे से ग्रूविंग का डिज़ाइन किया. एंड नीचे हम लोगों ने एक यूनिट बनाया, ऊपर 2 शेल्स दिए and it was a proper TV unit that we see on a like very expensive projects. लेकिन हम लोगों ने इसको कस्टमाइजेशन करके इस अपार्टमेंट के अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन किया था. मैं हर प्रोजेक्ट में आपको पूरी प्रोसेस दिखाती हूँ लेकिन ये दोनों प्रोजेक्ट में मैं आपको प्रोसेस नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि एनी वे सब कुछ सेम ही हो रहा है, पेंटिंग हो रहा है, सोफ़ा लग रहा है, सारी चीज़ें हो रहा है. लेकिन मैं आपको अपडेट दूँगी आज हैंडओवर से पहले हम लोगों ने क्या किया है. आते ही ये टीवी यूनिट अब जो बन रहा है, प्रतीक जी इसको बना रहे हैं और इसकी फिनिशिंग चल रहा है. यहाँ पे हम लोगों ने बाइसन शीट लगाया है और नीचे बहुत ही स्लीक एंड मिनिमल एक डिज़ाइन किया है. काफ़ी केओस है साइड में, सब कुछ फैला हुआ है, लेकिन सेटअप होने के बाद आप देखेंगे. यहाँ पे जो ग्रे कलर का हम लोगों ने सोफ़ा लिया है एंड वॉल्स पे जो कलर्स आए हैं वो एक पेस्टल ग्रीन एंड उसके साथ एक ग्रे कम्बिनेशन है, काफ़ी अच्छा लग रहा है. ऊपर आप देखेंगे तो फॉल सीलिंग भी बहुत ही मिनिमलिस्टिक, बहुत ही सिंपल है. उसमें लाइट जो है हम लोगों ने वाइट लगाया है एंड उसके अंदर से जो लाइट है, ट्रे लाइट्स है, उसको हम लोगों ने ऑफ वाइट रखा. यहाँ पे बहुत बड़ा एक आर्ट पीस मैंने लिया है. दिस इज़ द आर्ट पीस विच आई एम गोइंग टू इंस्टॉल जस्ट बिहाइंड द सोफ़ा एंड उसके बाद ये जगह कम्प्लीट होगी. ऑपोजिट साइड में लिविंग स्पेस में हम लोगों ने एक कलर जो दिया वो हम लोगों ने एक ग्रीनिश टोन दिया था बिकॉज दिस इज़ एन मॉडर्न अपार्टमेंट. सो जो कलर्स है सारे आपको ग्रेज एंड ग्रीन्स में ही देखने के मिलेंगे एंड जो एक्सेंट पीसेस है वो है ब्लू कलर में. सोफ़ा के पीछे जो कलर है वो एक पिस्टल शेड ऑफ ग्रीन है. उसके ऊपर हम लोगों ने एक बहुत खूबसूरत आर्ट पीस लगाया है. होम टाउन में गए थे, देयर वॉज अ ब्यूटिफुल आर्ट पीस. आई फेल्ट लाइक दिस माइट लुक रियली नाइस फॉर द प्रोजेक्ट एंड वी इंस्टॉल्ड इट देयर.
सोफ़ा के लिए हम लोगों ने जो सोफ़ा चूज़ किया वो एक डार्क एल शेप सोफ़ा था। डिज़ाइन जो है, क्योंकि एक मॉडर्न अपार्टमेंट है तो मॉडर्न डिज़ाइन है, एंड उस स्पेस के लिए टू यूटिलाइज द स्पेस एट मैक्सिमम हमने सोचा कि एल शेप सोफ़ा जो है इट विल गो परफेक्टली। इट वॉज लुकिंग रियली नाइस ऑन द स्पेस। फॉल्स सीलिंग के लिए हम लोगों ने जो डिज़ाइन किया वो अगेन बहुत स्लीक एंड सिंपल है। Considering this is a place जहाँ पे dining and living space एक साथ है, so we decided to divide it in two parts, जहाँ पे false ceiling के through division आएगी, there is no partition between that, but हम लोगों ने through false ceiling एक dining space and एक living space में division create किया, which was looking really nice. For the kitchen, we went ahead and did something different this time. We went ahead with a color which is unique and very different. And blue, dark blue we went with for this kitchen. And जो handles हम लोगों ने choose किया था वो था in golden shades. Profiles भी थे वो golden shade के थे. It was very different and very unique and client actually was loving it. So we thought like let's try this out. इस बार kitchen हम लोगों ने कुछ अलग try किया है. And the kitchen is blue with this beautiful golden handles. मुझे लगता है पहली बार मैंने कुछ अलग ट्राई किया है विद द कलर. आपने ग्रीन किचन देखा है, आपने अब ब्लू किचन देख रहे हैं. ये सारे थोड़े से हटके कलर है, थोड़े से डिफरेंट कलर है जो हम लोग रेगुलर ट्राई करते हैं. एंड क्लाइंट वाज विलिंग टू एक्चुअली स्पेंड ऑन दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट. ही वाज ओके इफ वी एक्सपेरिमेंटेड विद द कलर वी वेंट अहेड एंड डिड दिस ब्लू. Not exactly my choice of design, but I like the blue here. Next room was the master bedroom. Master bedroom में जो bed था वो उनके पास already available था. And उन्होंने हमें request किया कि अनन्या क्या हम लोग इसको use कर सकते हैं, but considering कि एक modern design है उसमें हम लोग उस bed को कैसे place करते जो almost 15 साल पुराना है. So we decided to cut the top part of this headboard. एंड वहाँ पे हम लोगों ने एक पैडिंग, अलग से एक पैडिंग डिज़ाइन किया जिसको हम लोगों ने एक DIY के साथ वॉल में फिक्स किया. एंड द हेडबोर्ड वॉज आफ्टर फिनिशिंग लुकिंग वेरी नाइस. उसके साथ साथ जो बेड था उसकी भी लेमिनेट हम लोगों ने चेंज किया. जो वाइट लेमिनेट था उसको चेंज करके हम लोगों ने ब्राउन जो कलर है, जो वुडन लेमिनेट जो हम लोगों ने पूरे रूम के लिए चूज़ किया था, सिमिलर लेमिनेट हम लोगों ने वार्डरोब पे लगाया. एंड द बेड वाज लुकिंग एग्जैक्टली लाइक न्यू एंड एवरीवन वाज surprised to see the finishing result of the bed. Even I was not expecting ke bed jo hai itna khoobsurat lag sakta hai, but you can change the design of the bed after this project, we are sure, and we are going to try few more of this in future. Let's see how it turns out. वार्डरोब के लिए जो डिज़ाइन हम लोगों ने चूज़ किया था वो भी हमारे जो वुडन लेमिनेट है उसके साथ था. एंड वी डिड अ ग्रूविंग डिज़ाइन वार्डरोब, एक स्लाइडिंग वार्डरोब थी एंड इट वाज मैचिंग विद द बेड. ड्रेसिंग के लिए हम लोगों के पास स्पेस बहुत कम था, इसलिए हम लोगों ने बस एक पिलर के ऊपर हम लोगों ने एक मिरर प्लेस किया. एंड वी गेव देम फ्यू शेल्स टू कीप द रेगुलर थिंग्स ऑन द शेल्स. एंड Yeah, that room was ready. It was looking cohesive. It was looking really nice. बच्चों ने मुझे बहुत ही प्यारा सा एक ब्रीफिंग दिया था. उनको दो अलग कलर के रूम चाहिए थी. द गर्ल वॉज लुकिंग फॉर अ पिंक और अ ग्रीन एंड द बॉय वॉज लुकिंग फॉर अ ब्लू और अ ग्रीन. सो वी डिसाइडेड टू गो विथ द ग्रीन दैट वी हैव ऑलरेडी यूज इन द लिविंग स्पेस. And for the girl part, we went ahead with the pink. It was a pastel shade of pink. हम लोगों ने दोनों पार्ट को अलग अलग डिज़ाइन किया, अलग अलग कलर से डिवाइड किया. बीच में हम लोगों ने एक स्टडी यूनिट बनाया जो रेगुलर यूज़ के लिए यूज़ होने वाला था. उसके साथ एक स्मॉल स्टोरेज था. एंड बेड जो है वो एक ग्रे कलर की लैमिनेटेड बेड थी. This is a kids bedroom that we have made. उनके दो बच्चे थे और उनको मेल एंड फीमेल एरिया अलग से करना था. सो मेल एरिया के लिए उनका जो बेटा था उसका फेवरेट कलर था ग्रीन एंड उनकी जो बेटी थी उनकी फेवरेट कलर थी पिंक. तो हम लोगों ने जो बेड्स है उसको हम लोगों ने न्यूट्रल रख के बाकी जो कलर्स है उसको डिवाइड करने के लिए पिंक एंड ग्रीन दो जोन बना दिया है.
एंड बेड्स एंड साइड टेबल बीच में हम लोगों ने ऐड किया है। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, बहुत हेवी कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है फॉर दिस स्पेस दिस इज़ वेरी मिनिमल बट बहुत प्रैक्टिकल भी है। जो एग्जिस्टिंग वार्डरोब थी, जो एक मेटल अलमीरा था, उसको हम लोगों ने कलर किया था ब्लैक में एंड वी प्लेस्ड इट ऑन द बेडरूम, किड्स बेडरूम, एंड टू गिव सम डेफिनेशन हम लोगों ने कुछ शेल्स ऐड किए थे एंड द रूम वॉज लुकिंग रियली नाइस। टू मैच विथ इट हम लोगों ने कुछ इंडस्ट्रियल स्टाइल्स लाइट लिए थे फॉर द बेडरूम्स, क्योंकि बेडरूम में हम लोगों ने फॉल सीलिंग नहीं किया था, एंड टू गिव सम एक्स्ट्रा लाइट हम लोगों ने नॉर्मल जो ट्यूबलाइट्स होते हैं LED ट्यूबलाइट्स वो भी इंस्टॉल किया था। सो ओवरऑल ये प्रोजेक्ट बहुत ही इकोनॉमिक एंड बहुत ही मॉडर्न एक डिज़ाइन है। इफ़ यू आर लिविंग इन अ मेट्रो सिटी दिस काइंड ऑफ डिज़ाइंस यू कैन डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड। इसके सारे जो डिज़ाइंस है, सारे जो इमेजेस है, वो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में आपको मिल जाएगा। इनिशियली आई कन्फ्यूज्ड अ लॉट फॉर रिगार्डिंग द कलर्स, कलर सेलेक्शन। आई चेक्ड सो मेनी वीडियोस एंड ऑल्सो रेड सो मेनी आर्टिकल्स ऑल्सो। लिविंग रूम में कौन सा कलर करना और मास्टर बेडरूम में कैसा करना, किड्स रूम में कैसा करना, किचन में क्या सिलेक्शन है लैमिनेशन का, एंड एवरी आर्टिकल गिविंग न्यू नॉलेज बट एट द एंड इट इज़ कन्फ्यूजिंग। देन आई थॉट दैट आई शुड डिस्कस दिस थिंग टू अनन्या बिकॉज शी इज़ ऑलरेडी एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। देन आई टोल्ड माई फाइनल रिक्वायरमेंट, वेन एवर आई एंटर इन टू माई रूम आई शुड फील दैट have good positive energy and motivation and a peace of mind. The three things I told and everything, and also we have informed or my kids requirements also, what they color. My kid has different color requirement, my daughter have different color, and both should be in one room. So she done with good combination of colors. After entering, after completion of this project, we really amazed because we like so much, we are feeling motivation, energetic each and every moment. Thank you so much Ananya, you have done a very good job. Because we are from Baroda mein hum log different budget ke different types of projects hum log lete hain, kuch hum log shoot kar sakte hain, kuch hum log nahi karte hain, jo nahi karte hain unke home tour videos aayenge aur jo karte hain wo either ye log budget design ya fir ghar ek sapna ke andar aa jayega। घर एक सपना के दो बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स बैक टू बैक आने वाले हैं, सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। रिमेंबर दैट नेक्स्ट वीक फिर से आना है, ये वीडियो देखना है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस, लव यू, बाय।